ये घोड़े की टांगे काट रखी है बेचारे की, घोड़े की टांग देख के मैं डर गया। ऊपर तो टांग नहीं रख रखी इन्होंने घोड़े की टांगे पर। चलते चलते पता नहीं सब्जी मार्केट में आ गया एकदम से। सब्जी मार्केट और काइंड ऑफ मार्केट सा है यहाँ पे। ये कद्दू के बीज हैं, कद्दू के बीज बहुत खाते हैं चावल। मुझे चाहिए एक नेल कटर और एप्पल। हो तो ये घोड़े की टांगे काट रखे हैं बेचारे की, घोड़े की। हेयर ऑयल, हेयर ऑयल, अंडरस्टैंड? No. After shampoo. Wait. The shampoo. The hair wax. नहीं पड़ी मैं। ये तो ऑयल? ऑयल। स्कूल का तो। $5,000 or $50,000? The expensive maling umishmi ama eta neme ne ina kara ya shingitcha 15000 15000 berim da da ha 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 mere kya nahi de sen ye shayad 1500 ka kuch hai ₹100 किलो है तो ये मुझे पड़ा काइंड ऑफ ₹100 में। अब मुझे चाहिए नेल कटर और हेयर ऑयल काइंड ऑफ। बीच में गाड़ी आ गई है। ये दही ये दही इना भाई भाई माता बता दे रहे अंकल जी यार। कहाँ से जाओ धक्का दे रहे पीछे से अंकल जी। अंकल जी को जल्दी है शायद। ये बता रहे मुझे ये चॉकलेट का पैकेट चाहिए 23,000 दा 25। हाँ ओके तब वन पसीना दाइन दस्ता। नमस्ते नमस्ते। अब मुझे बाहर निकलना है भाई। ये टांग देख के मैं डर गया। ऊपर तो टांग नहीं रख रखी इन्होंने, घोड़े की टांगे बहुत पकड़ रखी है। जगह जगह जहाँ मैं बैठा मिलता है वहाँ पे इन्होंने घोड़े की टांग रख रखी है। क्योंकि तो ये साइकिल आ गई है। अब काइंड ऑफ बाहर निकल लूँगा मैं। एक लास्ट मुझे नेल कटर मिल जाए। स्कूल का 5,000 ओके करो शो वन। सो गाइस सामान वगैरह ले लिया। अब जा रहा हूँ हॉस्टल। सामान में बस ये चॉकलेट लिए और एप्पल लिए एंड नेल कटर। नाखून बड़े हो गए हैं।
यहाँ से टॉप से कुछ सिटी ऐसी दिखती है। आज वापस यहाँ पे आया हूँ, कुछ करने को है नहीं खीवा में, तो वापस यहाँ पे आया हूँ। सीढ़ियों वाला चढ़ लिया बिना कैमरे की। सो मुझे उस प्लेस पे जाना है जैसे इस वाले पे, पर वहाँ की टिकट है 1.5 लाख सोम, सो प्रोबेबली वहाँ नहीं जाऊँगा। आज ही क्रॉस करते हैं चारों तरफ से, कितनी कहाँ तक ले जाती है दीवार देखते हैं। इसके बाद मैं लगभग एक दो घंटे यहाँ देखूँगा, फिर वही कल वाला सेम शेड्यूल। टिकट का एक बार पूछ आऊँगा, मुझे समरकंद निकलना है कल। मैं बोली सोच रहा हूँ हिचाइक करूँ या बस में बैठ के चला जाऊँ, क्योंकि हिचाइक बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे, सब पैसे मांगते, सबको अच्छा नहीं लगता यार ना बोल बोल के, और किसी के साथ आप लिफ्ट भी ले रहे हो उसको पैसे नहीं दे रहे तो भी अच्छा नहीं लगता। अरे यार इन्होंने एक दिक्कत और कर दी, कैसे बताऊँ, जैसे वो खड्डों खड्डों से ही तीरे मारेंगे, और हाँ ये सही भी है, खड्डे में तीर घुसेंगे नहीं, कुछ खड्डे तो भर गए हैं लगभग ये, जैसे इस खड्डे से आप क्या ही देखोगे कौन क्या हाँ आ रहा है। टेबल लगा के देखते होंगे शायद से, प्रोबेबली टेबल लगा के देखने का असली सही है बिल्कुल। यहाँ तो ऐसा स्लोप है, टेबल भी लगाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, आपको दिख रहा है स्लोप, टेबल लगाएंगे तो भी टेढ़ा होकर आदमी पीछे गिर जाएगा, ऐसा सीन है। पता नहीं कैसे करते थे ऊपर चढ़ के, या तो ऊपर चढ़ के ऊपर भी कैसे चढ़ेंगे, ऊपर एक दीवार और होती तो चढ़ भी लेते। वो वाला मस्त बिल्डिंग है यार, उसमें 1.5 लाख रो 700 रुपये कौन देगा म्यूजियम में देखने के, एक लाख बीस हज़ार सौ में, हाँ लगभग 700 रुपये हैं, तो 700 रुपये में कौन म्यूजियम दिखाता है। इतना फूरिस्ट टूरिस्ट की चार्ज तो मैंने इंडिया में भी नहीं देखी, इंडिया में भी शायद आमेर में, आमेर का किला जो है उसमें 400 है इंक्लूडिंग ऑल, 400 या 200 है, 200 है शायद से आमेर किले का इंक्लूडिंग ऑल। सो यही है वेलकम टू प्रिंस ऑफ पर्शिया। ये जो अंदर घर दिख रहे हैं वो काइंड ऑफ इन्होंने लोकल को दे रखे हैं, लोकल लोगों को रहने के लिए, जहाँ जो यहाँ से पहले रह रहे थे ना उन्हीं के बच्चे वगैरह रह रहे होंगे। यहाँ से क्लियर दिख रहा है घर प्रोबेबली, देखो यहाँ से सबकी छत दिख रही है। आंटी ने डिश टीवी नहीं लगा रखी, चलो ये तो सही है, इन्होंने बेचारे को टीवी देखने नहीं मिलती होगी, पर मतलब हिस्ट्री को कंजर्व करना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। और आल्सो एक प्रॉब्लम और है, अपनी मर्जी चाहे जैसे इंडिया में होता है ना, मतलब तो पड़ोसी ने हरा कलर कर दिया, अपन ने लाल कलर कर दिया, तो वो कलर नहीं कर सकते अब सिर्फ एक कलर का ही रहेगा ये सीमेंट कलर का ही रहेगा, प्लास्टर टाइप का लग रहा है मुझे, प्लास्टर कलर ही रहेगा, तो ये दिक्कत है। और कुछ बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, प्रोबेबली जो भी करना है इनको हिस्ट्री अगर टूट फूट कहीं हुई तो भी इनको हिस्ट्री का ध्यान में रख के करना है कि पहले सन में कैसा था, सेम टू सेम ऐसा ही रिपीट करना है। पर वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक व्यक्ति ने उसका गेट का कलर देखो, सबके ब्राउन कलर है मैक्सिमम, प्रोबेबली सबके ब्राउन कलर है, कांच का पहले तो बिल्कुल नहीं था, तो इस व्यक्ति ने कांच कर रखा है, तो हालाँकि कुछ चेंजेस किए गए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंजेस नहीं किए हैं, कुछ चेंजेस बनाए गए। पर ये वाली ये जैसे ये हॉस्टल है इसने कम्प्लीटली चेंज कर रखा है, और वो वाला जो है उसने ब्लू कलर कर रखा है, आर्ट हाउस PNB मेलरोस। यहाँ पे भी हॉस्टल होने का अलग आनंद है, वहाँ पे बुखारा में तो थी एक, वो पता है इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टूडेंट का भी पढ़ता है सब पढ़ते हैं हाँ, और यहाँ का मुझे पता नहीं है, काफी देखते हैं उनका, ये इंडिया या पाकिस्तान से, सब ठीक है यहाँ, बढ़िया है, अच्छा है। कब आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं? मैं बस प्रोबेबली कल निकल जाऊँगा, कल वापस बैक टू। कैसा टूर रहा? अच्छा रहा, बट मुझे खीवा में इतना अच्छा नहीं लगा, बट बुखारा समरकंद बहुत काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे लोग थोड़े से एकदम कम वहाँ में, बट वहाँ पे तो मुझे निकल जाता तो हिंदुस्तान नमस्ते नमस्ते नमस्ते, यहाँ पे पता नहीं इतना कम है थोड़ा सा, और आल्सो ये क्लोज लेना इसलिए शायद इतना। यहाँ पे तो हम काफ़ी टाइम से मुझे इनको हमें दोनों को 8-9 माह हो गए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अभी तक गर्मी प्रॉपर नहीं है जैसे। अच्छा ये ना आपको तो सही है ना, आपको गर्मी चाहिए क्या?
क्या? नहीं नहीं गर्मी नहीं चाहिए अभी, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नेम अब्दुल रहमान। अब्दुल, हाँ जी। आपका? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर, चलो अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू, गुड। सो ये भाई थे पाकिस्तान से, मैं देखते ही शक्ल पहचान गया, ये तो या तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में से एक के हैं। और देखते ही इन्होंने बोला कि कैसा लगा आपको, कैसा ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, सो अच्छा लगता है किसी से हिंदी में बात करके दूसरे देश में आके। हिंदू इंडिया पाकिस्तान भाई हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पता है आज यहाँ पे क्यों लोग नहीं हैं? आज लोगों को भाई साहब पाकिस्तान वाले बता रहे थे ना कि आज गर्म है इसलिए लोग नहीं हैं, और मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। देखो कितना अजीब है, इन लोगों के लिए गर्म है 24 डिग्री, और शायद मुझे मेरे दोस्त मिले काइंड ऑफ, अगर ये वही हैं तो। वैसे वाले भाई मिल गए थे, कैसा वो हो रहा है, एकदम कोइंसिडेंस से हो रहे हैं, वो यहाँ पे मिल गए। जैसे समरकंड में मेरे को बुखाराम जो लड़की मिली थी वो समरकंड में मिल गई, और जैसे ही सेम मुझे ये हुआ कि ये भाई साहब यहाँ पे चलते चलते मिल गए, और अभी नंबर एक्सचेंज किया है, कहीं ना कहीं भविष्य में मिलेंगे, और अभी यूएसए में कभी यूएसए गया तो वीज़ा मिला तो सो भी चलते। मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने बोला कि मैं निकलता हूँ, 8 बज गई हैं। अब सीन अच्छा हो गया है, प्रोबेबली सनसेट होने वाला है। अब देखो कितना मस्त लग रहा है ये पूरा, देखो सनसेट हो गया ऑलमोस्ट, अब बढ़िया लग रहा है। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, लगभग सनसेट हो गया है, पर इस गाने से दिखेगा आपको, इस छेद से दिखा सकता हूँ, उनको मैं आ गया वो रहा देखा, और यहाँ से बाहर का सीन है। चलता हूँ, मुझे बस का भी पता करना है और फिर घर भी जाना है, घर नहीं हॉस्टल जाना है।